क्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे और प्रेस करो इस बेल आइकन पे ताकि आप देख सको वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको आज रो स्ट्रिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके थ्रू आप है ना अपने बैक स्लैश, डबल इनवर्टेड कॉमा, ये सब चीज़ें आप स्ट्रिंग के अंदर प्रिंट करा सकते हो। तो शॉर्टकट है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैं ये कोड को क्लियर कर लेता हूँ जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब मैं न्यू कोड फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ये मैंने कोड शॉर्टकट ro.py के नाम से ना फाइल क्रिएट कर लिया। मैं एंटर कर देता हूँ। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, हमें है ना ये लाइन प्रिंट करने के लिए ये इस तरह का कोड लिखना पड़ता था। तो इधर मैं आपको शॉर्टकट दिखा देता हूँ जिसमें मैं प्रिंट, ये मैंने प्रिंट हेलो महेंद्र लिखा है, उसके बीच में मुझे \n, जो कि \n मतलब न्यू लाइन होता है, तो ये मुझे प्रिंट कराना है। तो हम न्यू लाइन को प्रिंट कराने के लिए, जो \n को प्रिंट कराने के लिए, हम इस तरह का कोड लिखते थे। जैसे आप देख सकते हो डबल \ यूज़ करते थे, बाद में फिर हम इसे प्रिंट कराते थे। तो इधर आप r लिख दोगे डायरेक्ट, इधर देख सकते हो r मतलब रो स्ट्रिंग होता है। तो इसे मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसे रन करता हूँ। तो आप देख सकते हो shor लिखा हो, टैब दबाया, मेरा ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो गया और मैं एंटर करता हूँ। तो आप देख सकते हो हेलो, और जो कि हमारा \n जो ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। रो स्ट्रिंग का मतलब यही होता है, और ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। ये शॉर्टकट आप कब यूज़ कर सकते हो वो मैं बताया था। ये शॉर्टकट आप जब सिंगल, जो इसके अंदर आप अपने स्ट्रिंग के अंदर कोई भी \, \forward/ सिंगल यूज़ करना चाहते हो, एक ही बार यूज़ करना चाहते हो, तब आप ये शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। अभी आपको है ना \ भी प्रिंट कराना है, बाद में फिर आपको कुछ आगे कुछ और प्रिंट कराना है जो कि न्यू लाइन में प्रिंट कराना है। जैसे मैं \n और हेलो चेतन, तो ये सिचुएशन पर आप देख सकते हो, इसे मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो हेलो महेंद्र और हेलो चेतन, जो आप देख सकते हो ये सिंगल लाइन में प्रिंट हो गया। और इसे मुझे है ना ये हेलो चेतन है न्यू लाइन में प्रिंट करना है, तब आप r नहीं यूज़ कर पाओगे। तो आप सोचते होगे कि नहीं तो फिर इतना शॉर्टकट बताना ही था तो ये सब क्यों बताया। तो इसका यूज़ जब आप सिंगल \ कुछ भी \ वगैरह यूज़ करना चाहते हो, तब आप ये r यूज़ कर सकते हो। यदि आपको है ना ये भी प्रिंट कराना और ये आपको न्यू लाइन में प्रिंट कराना है, तब आपको इधर \\ लगाना पड़ेगा और ये r हटाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो जब आपको \n प्रिंट कराना और ये हेलो चेतन जो कि न्यू लाइन में प्रिंट कराना, तो आपको है ना ये तरीका यूज़ करना पड़ेगा जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में सॉल्व किए थे और एक्सरसाइज में आपको दिखाया था और एस्केप सीक्वेंस के बारे में बताया था। तो r भी यूज़ कर सकते हो जब आपको सिंगल स्ट्रिंग प्रिंट कराना। तो ये वीडियो में बस इतना ही बताना था ये शॉर्टकट के बारे में। तो आपको एडवांस पाइथन की प्लेलिस्ट चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसके नेक्स्ट वीडियो की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जाता है वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड कलर का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।